कराची शहर के कल गुलशन इकबाल में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ आर्ट में कोविड वैक्सीनेशन का आगाज होने जा रहा है। अस्पताल में जहां वैक्सीनेशन की जाएगी वहीं सरतान, अमराज कल्ब, शुगर, ब्लड प्रेशर, गायनी, पेचीदा अमराज जिल, फालिज, अरकुनिसा, मोहरों के मसाइल, पोलियो और खून के अमराज के मशहूर और तजुर्बाकार माहिरीन ओपीडी में दस्तियाब हैं। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कल्ब गुलशन इकबाल में वाकई ये है कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो आवाम के लिए स्टेट ऑफ आर्ट कोविड वैक्सीनेशन की सहूलत भी फराहम करने जा रहा है। कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना एसओपीज के आलमी मयार के मुताबिक हर तरह की बीमारियों के इलाज के लिए सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक तिब के शोबे में महारत के हामिल डॉक्टर दस्तियाब हैं। इको, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत भी मयसर की जा रही है। ये एक मॉडिफाइड मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जिसमें के तमाम बीमारियों का इलाज होता है। तमाम मशहूर कंसल्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियंस हो गए, कंसल्टेंट फिजिशियंस हो गए, इसके अलावा माहिर डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब मरीजों के लिए हम यहाँ पे बहुत आला मयार के कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। 35 साल का तजर्बा रखने वाले प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की बेहतरीन तशखीस और अद्वियात तजवीज़ करने के साथ साथ बीमारी के बचाव के लिए लाइफस्टाइल में तब्दीलियों के बेहतरीन मशवरे भी दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर को और दिल के अमराज दोनों को अगर मिला दें तो दोनों को मिला के तकरीबन जो है 21-22% लोगों इसमें मुबतला हैं। लाइफस्टाइल जो है हमारे ज़िंदगी में जो हमने अपना लिए हैं वो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है 30-40 साल में जो है वो तब्दील हुए हैं। दौरान हमल ख़वातीन में ग़िज़ा की कमी या एनीमिया से पैदा होने वाले मसाइल, फिशार खून, शुगर और बच्चों में वक्फे से मुतालिक मुफीद मशवरों के लिए माहिर लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक इशू है वो एनीमिया यानी खून की कमी है। हमारे यहाँ ख़वातीन में, जैसे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ख़वातीन अमूमन अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखती, बाकी फैमिली का तो रखती हैं लेकिन अपना ख़ुद ख्याल नहीं रख पाती। और ख़ास तौर से हमल के दौरान माँ और बच्चे दोनों की ग़िज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ग़िज़ा की कमी से यकीनन खून की कमी होती है और उसकी और लेट पेशेंट्स जो हैं अमूमन बुकिंग करवाते हैं, हॉस्पिटल लेट जाते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी का बहुत ज़्यादा रहता है। खून की कमी की वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, लो बर्थ वेट बेबीज़ और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जिल्द के जरिए जाहिर होने वाले अमराज, जिल्द की सोजिश, एलर्जी, फंगस इन्फेक्शन, बाल, नाखून और गलत अद्वियात से पेचीदा होने वाले मसाइल के हल के लिए 30 साल तजर्बा रखने वाले डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर इकबाल नबी सोमरो बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और मयार के हिसाब से माशाल्लाह यह बहुत बड़ा अच्छा सेंटर है, जहाँ पर साइंटिफिक बेस और विदाउट एनी चीटिंग इलाज किया जाता है, पेशेंट के लिए बहुत ही मुनासिब कीमत पर सर्विस दी जा रही हैं। नामुनासिब तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश और ग़िज़ा की तरफ से अदम तवज्जो के बाइस कम उम्र अफराद भी दिल के अमराज में तेज़ी से मुबतला हो रहे हैं। दिल तंदुरुस्त हो तो सारा बदन तंदुरुस्त रहता है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर माने जाने वाली दिल की बीमारियों के लिए भी कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में माहिरीन दस्तियाब हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम दिल के मरीजों की सही टाइम पे तशखीस करें और तशखीस के बाद उनका सही इलाज करें। खून की बीमारियों, सरतान, फालिज, पोलियो, अरकुनिसा और मोहरों के मसाइल समेत दीगर अमराज बातनिया के अमरीकी बोर्ड से सनद याफ्ता डॉक्टर मुनीर की खिदमात काबिल जिक्र हैं। कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कंसल्टेशन करता हूँ। कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सारी एसओपीज़ का फॉलो किया जाता है, हर किस्म की एहतियात की जाती है कि किसी भी मरीज को किसी किस्म की इन्फेक्शस डिजीज़ ना हो। कराची की आबादी 2 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं और बड़े अस्पताल के अखराजात हर किसी के बस की बात नहीं। मतवसत तबके के लिए कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स बेहतरीन होने के साथ साथ मुनासिब तिब्बी मरकज़ कहलाने का मुस्तहिक है।